गुड मॉर्निंग माय मदर एट 66 के क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है पोइट्स मदर बाज एट 66 व्हाई डिड शी गो टू कोचीन एयरपोर्ट विद हर। कवि की माँ 66 वर्ष की थी, उसके साथ एयरपोर्ट क्यों गई। आंसर है पोइट्स मदर वेंट टू कोचीन एयरपोर्ट टू बिड हर गुड बाय। कवि की माँ उसके साथ कोचीन एयरपोर्ट पर उसे विदा करने गई थी। दूसरा क्वेश्चन हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब हर मदर हु इज सिटिंग बिसाइड हर। हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब अपनी माँ का कैसे वर्णन करती है जो उसके बगल में बैठी है। आंसर है द पोइट डिस्क्राइब्स हर मदर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स। कवि अपनी माँ का चेहरा एक राख जैसा वर्णित करती है जैसे एक लाश का होता है। तीसरा क्वेश्चन है व्हाई डिड द पोइट लुक आउट ऑफ द कार। कवि ने कार के बाहर झांक कर क्यों देखा। आंसर इसका द पोइट लुक्ड आउट ऑफ द कार टू नोटिस वेदर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लुक्ड लाइक हर मदर आर नॉट। कवि ने कार के बाहर झांक कर इसलिए देखा कि नोटिस करना चाहता था कि पूरी दुनिया उसकी माँ के जैसी दिख रही है या नहीं। अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड द पोइट लुक एट हर मदर आफ्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक। कवि ने एयरपोर्ट की सुरक्षा चेक के बाद अपनी माँ को एक बार पलट के क्यों देखा। आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक द पोइट लुक्ड एट हर मदर टू नोटिस एनी चेंज बट इट वाज स्टिल चीयरलेस। एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक के बाद कवि ने अपनी माँ की ओर देखा, शायद कोई परिवर्तन हुआ हो लेकिन वह अभी भी निस्तेज शून्य पड़ा हुआ था। पांचवा क्वेश्चन है व्हाई हैज द पोइट पोएम माय मदर एट 66 बीन रिटन इन ए सिंगल सेंटेंस पंक्चुएटेड बाय कॉमास। ये कविता जो है एक ही वाक्य में लिखी गई है जिसमें सिर्फ कॉमा का इस्तेमाल किया गया है, ऐसा क्यों। द पोएम माय मदर एट 66 हैज बीन रिटन इन ए सिंगल सेंटेंस punctuated by commas to intertwine inner emotions along with outside observation. My mother at 66 कविता को इसलिए एक उसमें लिखा गया है कि आंतरिक भावनाएं और जो बाहरी निरीक्षण है दुनिया का उसको एक साथ ढाला जा सके। अगला क्वेश्चन है Why has the face of her mother बीन कंपेयर्ड टू ए कॉर्प्स। माँ का चेहरा एक लाश से तुलना क्यों की गई। द फेस ऑफ पोइट्स मदर बीन कंपेयर्ड टू ए कॉर्प्स बिकॉज हर फेस वाज ओपन माउथेड एंड लुक्ड एशन लाइक। माँ के चेहरे की तुलना एक लाश से इसलिए की गई कि मुँह खुला हुआ था और चेहरे पर जैसे लग रहा राख रखी हो, राख पुती हुई हो। अगला क्वेश्चन है व्हाई हैज द पोइट्स मदर बीन कंपेयर्ड टू ए लेट विंटर मून। माँ के चेहरे की तुलना देर रात निकले सर्दियों के चांद से क्यों की गई। तो इसका आंसर है पोइट्स मदर डज नॉट बिलोंग टू द एक्टिविटीज ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड। कवि की माँ बाहर की दुनिया की गतिविधियों से संबद्ध नहीं दिखती थी। सी वाज चीयरलेस सो सी वाज कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून। वो निस्तेज दिख रही, सर्दियों में जब कोहरा पड़ता है तो चांद हल्का चमकता पीला सा, ऐसे ही उसकी माँ का चेहरा पीला निस्तेज दिख रहा था इसलिए उसकी तुलना इससे की गई। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पोइट्स चाइल्डहुड फियर। कवि का बचपन का भय क्या था। द पोइट्स चाइल्डहुड फियर इज दैट समडे शी वुड लीव हर डॉटर फॉर एवर।
उसका बचपन का भय था कि किसी दिन उसकी माँ उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट फिगर्स ऑफ स्पीच यूज इन द पोएम। अलंकार कौन कौन से इस्तेमाल हुए? तो दो सिमली हैं, कौन कौन से लाइन, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्पस, और दूसरा है द वेन पे लाइक एज ए लेट विंटर मून। तो दो हैं सिमली, मेटाफर है मेरी चिल्ड्रन और ओल्ड फैमिली एक्ट। पर्सोनिफिकेशन है यंग ट्री स्प्रिंटिंग, ये पर्सोनिफिकेशन है। ये तीन जगह पे अलंकारों का यूज किया गया है।